नमस्ते, आज जमाते इस्लाम हिंद की ओर से मुझे यहाँ दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, इसीलिए मैं उनका यहाँ से आभार प्रकट करती हूँ कि यहाँ मुझे दो मिनट देने पड़ी है। आप यहाँ मंचस्थ मेहमानों में हम बात करें, मौलाना अब्दुल कुद्दुस पालनपुरी, आरिफा परवीन, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नंदिनी, जनेट फ्रांक, डॉक्टर सलीम पटीवाला, राजूबेन साजिया शेख, तस्नीम बोरा, मौशीना साचुरा, मंचस्थ मेहमानों और सभी श्रोतागण, हमारा आज का जो विषय है यहाँ, नैतिकता स्वतंत्रता का आधार, ये राष्ट्रव्यापी अभियान 2024 का चल रहा है। तो नैतिकता, मोरल किसको हम कहते हैं? पहले तो प्राथमिक स्तर से हम उनका बात करें कि मोरालिटी, नैतिकता हम किसको कहना चाहते हैं। उसके बाद आरिफा जी ने बहुत अच्छी तरह से स्वतंत्रता के साथ उनका सब्जेक्ट लेके बात की है हमारे साथ। तो नैतिकता किसको हम कहेंगे, तो यहाँ मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ आपसे कि नैतिकता किसको कहेंगे हम, तो दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी आदि नैतिक नियम है। इन नियमों का प्रचार करना, अर्थात दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी का अपनाना, अर्थात पालन करना, नैतिकता कहलाता है। यह नैतिकता का नियम उचित, अनुचित और अच्छा बुरा से संबंधित है। इसके अलावा शिक्षा का विकास के चलने चलते नैतिकता का महत्व बढ़ गया है। शिक्षा के विकास के चलते, वैज्ञानिक विधि के विकास के चलते धर्म का महत्व घट गया है, लेकिन नैतिक नियमों का महत्व बना हुआ है, क्योंकि नैतिक नियम उचित, अनुचित और अच्छा बुरा से संबंधित है। समाज के लोग जब उचित बात या अच्छे व्यवहार का प्रधानता देते हैं, तो इससे समाज नियंत्रण में रहता है। दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा आदि नैतिक नियम है। इन नियमों का प्रचार करना, नैतिकता का प्रचार करना है। समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाकर नियंत्रण का काम किया जा सकता है। समाज के सभी लोगों एक समान मानसिक स्तर वाले नहीं है, इसीलिए समाज के सभी लोगों नैतिक नियम का पालन करते। नैतिक मूल्य की हम बात करें तो नैतिक मूल्य की जननी ए नैतिकता को कहा गया है। नैतिक मूल्यों के अंतर्गत प्रेम, भाईचारा, करुणा, दया, सहयोग और न्यायप्रियता, सत्य और अहिंसा इत्यादि भावना आती है। इस सभी भावना की जननी नैतिकता होती है। नैतिकता के आधार पर ही हम सही, गलत, अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित, सत्य, असत्य इत्यादि का निर्णय लेते हैं। नैतिकता ही हाड मांस के प्राणी में मनुष्यत्व का प्रतिनिधित्व करता है। नैतिकता ही मानव और पशु में फर्क पैदा करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो शुभ है, जो सद्गुण है, वह नैतिक है और सभी प्रकार का दुर्गुण अनैतिक है। जीसस के अनुसार नैतिकता नियमों की वह व्यवहार व्यवस्था है जो अच्छे बुरे समृद्ध संबंध में, जिसका अनुभव अंतरात्मा द्वारा होता है। तो नैतिकता के बारे में हम सोचे तो वर्तमान में विश्व में सभी देशों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति वहाँ की शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। अच्छी शिक्षा जीवन का संतुलित और अनुशासित रखती है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य एक सफल इंसान बनता है। नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। यह कार्य घर, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, जेल, मंच या किसी सामाजिक स्थान में किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा समाज को नैतिकता, सत्य, सहनशीलता, विनम्रता, प्रामाणिकता आदि सभी गुणों का प्रदान करती है। नैतिक शिक्षा का हम अर्थ यहाँ देखा, नैतिकता का हम
मनुष्य में क्या उसका फायदा है, तो नैतिक शिक्षा मनुष्य की अमूल्य संपत्ति है और इस संपत्ति के आगे सभी संपत्ति तुच्छ होती है। नैतिक समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है और देश सुदृढ़ बनता है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता आजकल के बच्चों के द्वारा गुरुओं का आदर, माता पिता का सम्मान नहीं किया जाता है। विद्यार्थी वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे समाज में अराजकता फैली हुई है, क्योंकि हमारी शिक्षण व्यवस्था में नैतिक शिक्षा की कमी है। यही कारण है कि हम नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि नैतिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नैतिक शिक्षा के कारण ही समाज में नैतिक भावनाएं जागृत होती है, इसीलिए छात्र जीवन में नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। नैतिकता का उद्देश्य मानव को सही अर्थों में मानव बनना है। उसमें आत्मनिर्भर की भावना को उत्पन्न करना, चारित्र निर्माण करना, सभी का आदर करना, हिंसा न करना, कभी झूठ न बोलना, सभी से प्रेम करना, तर्क शक्ति का विकास, समाज सेवा का भाव पैदा करना, सामाजिक बुराइयों का अंत करना और लोगों की सहाय करना आदि नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। नैतिक शिक्षा का महत्व हम देखें तो नैतिक शिक्षा का महत्व व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, इन सभी के लिए नैतिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने चरित्र एवं सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। नैतिक शिक्षा से व्यक्ति भविष्य उज्जवल और गरिमामय बनाता है, देश के भावी नागरिक बनते हैं, उनसे समस्त राष्ट्र का नैतिक आचरण का लाभ मिलता है। नैतिक शिक्षा से बच्चों में सामाजिकरण की भावना जागृत होती है। जब नैतिकता का विकास होता है तब वे यह समझने लगते हैं कि कौन से कार्य उचित है और कौन से कार्य अनुचित है। नैतिकता से अच्छे गुण और अच्छी आदत का विकास होता है। नैतिकता व्यक्ति का विकास भी करता है। देश के प्रति आदर जन्म लेती है, जिससे वे अपने स्वार्थ से परे होकर देश के हित में कार्य करते हैं। नैतिकता से व्यक्तियों में सामाजिकरण की भावना पैदा होती है। कौन से कार्य उचित है वो देख के करते हैं। तो आवश्यकता हम देखें तो नैतिकता से क्या होता है, तो आदर्श युवा के निर्माण हेतु हमारे शिक्षा में नैतिकता लानी चाहिए। राष्ट्रीय एकता हेतु हमें हमारी शिक्षा में नैतिकता रखनी चाहिए। और आज लास्ट में मैं कहने चाहूँगी कि हमें प्रातःकाल में जल्दी से उठना, वो भी नैतिकता है। बड़ों को सम्मान देना, वो भी नैतिकता है। हमें अपना कार्य समय पर करना, वो भी नैतिकता है। हमें अनावश्यक झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की मदद करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को सहाय, छोटे भाई बहनों को सम्मान देना चाहिए, मदद करना चाहिए और पर्यावरण का पण जतन करना चाहिए। अस्तु, भारत माता की जय।